जनपद में अगले 5 दिनों तक गरज के साथ छिटपुट वर्षा होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पर तेज हवा चलने के लिए बताया गया है, जिसके मद्देनजर अलग अलग जगहों पर छिटपुट वर्षा हो रही है। कल गोला तहसील में वज्रपात होने से एक महिला की मृत्यु भी हो गई। इस तरह जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा हो रही है। उन्होंने कहा, वज्रपात से जिस किसी की मृत्यु होती है, राज्य आपदा मोचन निधि से 4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगर कहीं पर भी ऐसी घटना घटती है तो सभी औपचारिकता पूरी करके तत्काल राहत राशि उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा, वज्रपात से बचने के लिए पेड़ों के नीचे ना जाएं, क्योंकि पेड़ असुरक्षित स्थल है। इसलिए आप किसी मकान के नीचे या टीन सेट के नीचे जाएं। अगर गरज के साथ बरसात हो रही है तो मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि मोबाइल के फ्रिक्वेंसी के कारण भी घटनाएं होती हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दामिनी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपको 15 मिनट के बाद वज्रपात की सूचना मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। एक दो जगहों पे तेज हवा भी चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके मद्देनज़र अभी जैसे पिछले दिनों से जो छिटपुट वर्षा हो रही है, मतलब अन्य अन्य स्थलों पर वर्षा हो रही है। कल जैसे गोला तहसील के क्षेत्र में वज्रपात की भी घटना हुई, इसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई है। तो इस तरीके से अभी देखा जाए तो शहर, मतलब जनपद में और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, लेकिन छिटपुट वर्षा हो रही है। हाँ, उन्हें वो राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत उन्हें उनके जो वारिसान हैं उन्हें 4 लाख रुपए का जो अनुग्रह सहायता है वो हम लोग वितरित कर रहे हैं। तहसील से जैसे ही उनके वारिसान के खाता डिटेल्स वगैरह प्राप्त हो जाएंगे उसे ही और तहसील द्वारा जो मांग की जाएगी तो तत्काल धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और शासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी अगर एक कोई घटना घटित होती है तो उन्हें समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए उनके भुगतान तत्काल कराया जाए। इससे बचने के क्या उपाय हैं? बारिश है, देखिए ऐसा है ना, प्राय लोग क्या करते हैं कि पेड़ों के नीचे चले जाते हैं जब वर्षा होती है, तो पेड़ टोटली असुरक्षित स्थल होता है, तो पेड़ के नीचे ना जाएं। किसी जो टीन या किसी शेड के नीचे वो अपने आप को स्टे कर लें, और मोबाइल का प्रयोग तो कतई ना करें जब भी वज्रपात होता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी के कारण भी घटनाएँ सामने आती। इस तरह के कई सारे वीडियोज़ भी लोगों तक पहुंचाए गए हैं, तो ये प्रयास कोशिश करें कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटित हो तो अपने आप को शेड में कर लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ एक दामिनी ऐप है, आप दामिनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। दामिनी ऐप से आपको अगले 15 मिनट तक के अंदर कहाँ कहाँ पर वज्रपात होगी जहाँ पर आप हैं उसका लोकेशन लेते हुए पूरी सूचना मिल जाती है। तो ये प्रयास करें कि दामिनी ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आप वज्रपात से सुरक्षित रह सकें।